अगेन एक मतलब थोड़े से लॉजिकल डिफरेंसेस है फॉर एग्जांपल जो जोनल काउंसिल्स होते हैं उनके हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होते उनके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द एटॉमिक एनर्जी तो उनके चैप्टर में वो एटॉमिक एनर्जी का उनको हेड बताया हुआ है लेकिन चीफ मिनिस्टर के में नहीं आता है बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर ईयर जो बेसिक चीजें हैं यू कैन एक्चुअली फिगर आउट तो हमारे लिए बहुत ही ईजी चैप्टर है जस्ट लाइक like, जैसा इंडिया के लिए इस समय यह मैच है एग्जैक्टली लकीली इनफ हमारे लिए चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे इफ we were smart enough to do it in the prime minister and the council of the union council of minister chaliye hum karte hain anytime, whenever you need whenever you want to see mujhe dena we'll check out kar so let's just do have a score right now what it is 233 no, you refresh oh my god did we just shubham gill basically just lost okay so i think the more we study the more chances we have of winning it 27 by 1 my friends let's start with the chief minister प्स आवर फिंगर क्रॉस्ड एंड लेट्स गो ऑन दैट सो चीफ मिनिस्टर करते हैं बीच बीच में स्कोर दिखाता रहूंगा तो यू आर नॉट मिस एनीथिंग आउट ऑफ द मैच इन द स्कीम ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट नाउ रिमेंबर यहां पे फोकस ये नहीं है कि नई चीजें सीखना है यहां पे फोकस अब हम इस चैप्टर का बेनिफिट उठा सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली द एग्जामिनर माइट एक्चुअली आस्क फ्रॉम दिस एप्सोल्यूटली सेम चैप्टर जो चीफ है ना चीफ की जगह पे अगर हम प्राइम लगा देंगे और गवर्नर की जगह पे अगर हम प्रेसिडेंट लिख देंगे सो so, हमारे बेनिफिट होना चाहिए न्यू एंसर को समझ सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि हम यूनियन पे फॉलो करते हैं सिमिलर तो वाला हम स्टेट पर भी फॉलो करते हैं राइट right नाउ इंडिया में जो स्टेट है वहां पर जो गवर्नर होता है इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव

हेड होता है यानी कि उनके नाम पे सारे के सारे काम किए जाते हैं बट द एक्चुअल पावर इट बेसिकली रेस्ट विद द एग्जीक्यूटिव जो कि एक्चुअली में डिफेक्टो पावर कहते हैं जिसको यानी कि अगर हम यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दैट बी द प्राइम मिनिस्टर एंड इफ यू टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट दैट वुड बी द चीफ मिनिस्टर इन अदर वर्ड्स गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट वैल द चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट अब जो वर्ड स्टेट है, है, है एक तो रीजनलिजम स्टेट कहते हैं है, है. so, एक इंडिविजल पोलिटिकल यूनिट है एंड इंडिया है इंडिया की अट्ठाइस रीजनल गवर्नमेंट भी हैंड ऑफ द स्टेट यह दोनों जगह पर टेक्निकली अप्लाई हो सकता था लेकिन यहां पे हेड ऑफ द स्टेट एज इन कि किसी भी स्टेट का एक राज्य का जो हेड होता है और उस गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो दैट इज द चीफ मिनिस्टर ठीक है तो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन एग्जैक्टली एनालॉगस होती है प्राइम मिनिस्टर की एट द सेंटर अब मैंने पिछली बार जब हम गवर्नर कर रहे थे तो मैंने बताया था देखो गवर्नर और प्रेसिडेंट में बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेज है आर नॉट द एग्जैक्ट सेम पोजीशंस दे आर सिमिलर बट नॉट द सेम बट द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज एब्सोल्युटली एनालॉगस मतलब यू वोंट फाइंड एनी मच डिफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे प्राइम मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा से स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दे रखे हैं आर्टिकल नंबर हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर में ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई द गवर्नर बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली ए फ्री फ्लो गवर्नर किसी को भी रैंडमली चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करते हैं rather सिर्फ उसी इंडिविजुअल को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा में मेजोरिटी पार्टी का लीडर हो सो वंस द इलेक्शन है विधानसभा है उसमें जो मेजोरिटी होगी उसका जो लीडर होगा उसको बेसिकली चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा इट्स अ बेसिकली पार्लियामेंटरी कन्वेंशन नाउ इट इज नॉट रिटर्न एनी वेयर इन द रूल Somewhere, it is not a legal thing which is written uh, as a law, but this is what happens in a parliamentary system of the government at the level of the union, also, and at the level of the state, also. Mm -hmm. same mm -hmm. Prime Minister chapter. अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है ओके इफ इज पार्टी जिसके पास लेसे की जैसे हरियाणा में बात करते हैं हरियाणा की जो विधानसभा है उसमें टोटल 90 सीट्स होती है विच मीनस अगर हम एग्जैक्टली exactly मेजोरिटी की बात करें तो द पार्टी हु वॉन्ट्स टू मेक द चीफ मिनिस्टर जिसको गवर्नमेंट बनाना है उसको एटलीस्ट फोर्टी सिक्स सीटें जीतनी पड़ेंगी यानी कि फोर्टी सिक्स एमएलए किसी एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करेंगे तो दैट पर्सन कैन बिकम द चीफ मिनिस्टर वट है

सो लेट से कि एक पार्टी के पास चालीस लोग थे एक पार्टी के पास पैतीस थे एम एल एस थे सो ही प्रॉबेबली पिक दी जिसके पास चालीस होंगे सो ही अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी या फिर कोएलिशन जिसकी टोटल लार्जेस्ट पार्टी हो एंड देन उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दी विधानसभा असेंबली में एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप सीख कीजिए इफ यू आर सक्सेसफुल इनफ अगर आपको फोर्टी सिक्स लोगों ने उस दिन वोट कर दिया वे गैस कैन एक्चुअली बिकम द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द रॉन्स गवर्नर जरूरत पड़ने पर अपनी इंडिविजुअल जजमेंट ले सकता है सिलेक्शन के लिए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस केस में जब एक तो मेजोरिटी नहीं हो किसी पार्टी के पास द फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग इफ द चीफ मिनिस्टर डाइज इन द ऑफिस ऑफिस में डाई ऑफिस में डेथ हो जाए चीफ मिनिस्टर की बट नेसेसरली अगेन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी दूसरे लीडर को चुन लेती है देन इनवेरिएबली द लीडर ऑफ दैट पार्टी विल बी मेड अ चीफ मिनिस्टर इन केस अगर ऐसा नहीं होता है वेल well देन डेथ चीफ मिनिस्टर अगर रूलिंग पार्टी ने एक नए इंडिविजुअल को अपना लीडर इलेक्ट कर लिया तब गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी बल्कि उसको ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा नाउ सबस्टिट्यूट दर्ड चीफ विद डिफरेंस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक्जेक्टली exactly सेम चीज अप्लाई होती है कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के कॉन्टेक्ट में भी एंड वैन इट कम्स टू द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट द पर्सन मस्ट प्रूव हिज और हर मेजोरिटी इन दसेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर विच मीन्स टू से जैसे कि विधानसभा बनती है तो विधानसभा बन जाती है तो उसके बाद बिफोर एक कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो विधानसभा में संबड़ी कैन भी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर मतलब इंडिविजुअुअल मुख्यमंत्री कहलाएगा पहले ही उसके बाद जाके वो वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस की जा सकती है नाउ दिस दिस हैज हैज बीन बीन इन द द द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंड सेट बाय सुप्रीम कोर्ट्स कोर्ट्स हाई आल्सो सो इस बात में बेसिकली क्लैरिटी है कि बिना किसी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के किसी को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है वंस द पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर देन द गवर्नर कैन आस्क हिम और हिज टू प्रूव हिज हर मेजोरिटी जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर विधानसभा में मेजॉरिटी आती है सो दिस फॉर्मैलिटी इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली है भाई विधानसभा है इलेक्शंस हुए एक पर्टिकुलर पार्टी थी उसके पास मेजॉरिटी थी उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया नॉट अ प्रॉब्लम अंदर इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन वेर द वन सिंगल पोलिटिकल पार्टी डजेंट हैव द मेजोरिटी यानी कि उसके पास इतने एम एल एज नहीं है जो कि फिफ्टी परसेंट प्लस वन होते हैं विधानसभा के इन दैट केस गवर्नर कैन अपॉइंट सम वन एज द चीफ मिनिस्टर लाइक अभी तक बिल्कुल किसी को नहीं पता कि किसके पास मेजोरिटी है या नहीं है लेकिन एक इंडिविजुअल चीफ मिनिस्टर बन सकता है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो विधानसभा में जाके अपनी मेजोरिटी को प्रूव करने की कोशिश कर सकता है एंड इफ दैट इज डन देन हिल रिमेन द चीफ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बिकम द चीफ मिनिस्टर सो जरूरी नहीं है इलेक्शंस लड़ना चीफ uh, मिनिस्टर बनने के लिए सेम है प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ओबियसली सो अगर कोई भी इंडिविजुअल लीडर uh, चुन लिया जाता है मेजॉरिटी पार्टी का सो इवन इफ अगर वो एमएलए नहीं है तो उसको बेसिकली चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है एंड वंस दैट पर्सन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर उसके पास एक छः महीने की विंडो होती है विद इन सिक्स मंथ्स दैट पर्सन विल एक्चुअली नीड टू रिक्वायर टू बिकम द मेम्बर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एक सेकंड के लिए मुझे नोट्स खोल ले तुम रुको कोई इंडिविजुअल में स्टेट लेजिस्लेचर का तो भी वो चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है राइट right? मतलब की इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है एंड इफ यू आर चोजन एज दी मतलब चीफ मिनिस्टर इज बेसिकली टू बी चोजन एज द मेजोरिटी लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है अब इसमें अगर आप बेसिकली लीडर चुन लिए गए हो लेकिन एम एल ए नहीं हो मतलब कि आपने इलेक्शंस नहीं लड़े थे और आप एमएलए नहीं हो ना ही विधानसभा के ना ही विधान परिषद के तो भी आपके पास एक छह महीने की विंडो है बेसिकली बने रहने के लिए चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर बट यस वंस यू यू आर चोजन एज द द विद इन मंथ्स हैव टू बिकम मेंबर ऑफ विधानसभा और द विधान परिषद अब वैसे तो टोटल 22 स्टेट्स हैं जिनमें सिंगल हाउस चलता है वहां पे विधानसभा ही है वहां परिषद है ही नहीं तो इन 22 स्टेट्स में आपको ऑब्वियसली विधानसभा का ही मेंबर होना पड़ेगा बट देर आर सिक्स स्टेट्स इन इंडिया जहां पर बाई कैमरल हाउसेज है यानी कि विधानसभा तो है ही है और विधान परिषद भी है कौन कौन सी छह स्टेट्स हैं देखो सबसे ये सारी की सारी ना इकट्ठे हैं तो आसानी से पेयर्स में याद कर सकते हो तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों स्टेट्स में बेसिकली दो हाउसेज है बाई कैमरा ले विधानसभा और विधान परिषद देन देर इज महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश एंड देन देर इज तेलंगाना एंड कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका पढ़ सकते हो फिर और फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कर सकते हो बेसिकली छे की छे पास पास में है पेयर में है राइट सो इन छह स्टेट्स में विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए इंडिविजुअल को अगर वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो अब जनरली इन जनरली यूजली चीफ मिनिस्टर हमेशा इलेक्शन लड़ते ही है ठीक है तो वो यूजली विधानसभा के मेंबर होते हैं बहुत रेयर सिचुएशंस में ऐसा भी हो जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने इलेक्शंस नहीं लड़ा हो उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया एंड देन विद इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स

तो लोअर हाउस के ही होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से कई कई देखा गया मतलब देर आई हैव बीन चांसेस जहाँ पे आ, अपर हाउस यानी कि विधानसभा से भी होते हैं नाउ सरकारिया कमीशन एज वी हैव डन इन द केस ऑफ द गवर्नर आल्सो हैज बीन गिवन सेवरल रिकमेंडेशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस टोल्ड यू कमीशन एटी एट में बना था ये अकेडमिक स्टडी के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी पॉलिटी का कोई स्टैटिक क्वेश्चन आता है उस स्टैटिक क्वेश्चन के कंक्लूजन में आप सरकार कमीशन की रेकमेंडेशन को पुट कर सकते हैं सो इफ अ क्वेश्चन कम्स पर्टेनिंग टू गवर्नर

उन्होंने कहा है कि गवर्नर जब भी चीफ मिनिस्टर को चूज करे तो उनके दिमाग में क्या क्या बातें रखनी चाहिए सबसे पहले जिस पार्टी के पास वाइडेस्ट सपोर्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको ही बेसिकली चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए ये जनरल है ऐसा ही होता है ओके इट्स अ रेकमेंडेशन आल्सो एंड दैट दिस इज व्हाट एक्चुअली आल्सो गवर्नर्स टास्क इज टू सी दैट अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड नॉट टू ट्राई टू फॉर्म अ गवर्नर व्हिच विल परस्यू पॉलिसी व्हिच और ही शी अप्रूव मतलब देखो गवर्नर को ये नहीं है कि अपनी पर्सनल चॉइस की गवर्नमेंट बनानी है गवर्नर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बनवाना उसके अंदर उसका पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए अगर सिंगल पार्टी है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ नॉन नेगोशिएबली उसी पार्टी का जो लीडर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस ऑप्शन देखो अगर कोई अलायंस ऑफ पार्टी था जो कि इलेक्शन से पहले बन गया था तो इसको प्रेफरेंस दो ना कि इलेक्शन के बाद वाले को देव जस्ट गिवन समर ऑफ प्रेफरेंस एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है so to, मतलब इसको सुन के लिए आपके दिमाग एनालिस कर सकेगा इन चीजों का द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विदोर्ट ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस अगर इलेक्शन से पहले का कोई ऐसा फुल फ्लेजेड को जिसकी मेजोरिटी नहीं बन रही है तो फिर सबसे लार्जेस्ट पार्टी को बुलाओ जो ये क्लेम कर रही है कि मेरे पास इंडिपेंडेंस का कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट है सिमिलरली uh, दोनों ऑप्शन नहीं है फिर पोस्ट इलेक्ट्रल कोशन को देखो क्योंकि पोस्ट इलेक्टोरल भी जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ जोड़ घटा करने की वो कोशिश करेंगे वेल एट दैट टाइम वंस यू हैव एग्जॉस्टेड दीज ऑप्शन तब जाके बेसिकली पोस्ट इलेक्टोरल को देखा कीजिए गवर्नर वाइल गोइंग थ्रू द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अब शुड सेलेक्ट अ लीडर हु इज मोस्ट लाइकली टू कमांड ए मेजॉरिटी मतलब कि जब भी गवर्नर चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करे तो उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि एक स्टेबल गवर्नमेंट कौन बंदा दे सकता है

वेन नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रोच द गवर्नर और वो कहें कि चीफ मिनिस्टर ने मेजॉरिटी लूज कर दी है तो गवर्नर को जो ये जजमेंट है कि चीफ मिनिस्टर मेजोरिटी लूज कर चुका है ये खुद नहीं लेनी है रादर ही शुड जस्ट आस्क फॉर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसको बेसिकली फ्लोर ऑफ द हाउस पर टेस्ट करवाना है ना कि खुद वो जज करे चीफ मिनिस्टर जब भी बनते हैं They take an oath, obviously, to bear true faith, allegiance to the constitution, sovereignty, or integrity, ke liye, so on and on. Not that actually very much relevant. secrecy, oath Again, just like the Prime Minister, he'll take because they are the chief ministers, obviously, and they are the prime ministers, obviously. So they do come across several sensitive information or data. So they just take a secrecy oath here. They would not actually reveal it any which way to anybody. The term of chief minister is not fixed. लाइक प्राइम मिनिस्टर दो हजार चार से दो हजार नौ दो हजार नौ से चौदह दो हजार चौदह से दो हजार उन्नीस दो हजार उन्नीस से दो हजार चौबीस एंड फिर दो हजार चौबीस से 2024 हजार उन्तीस तक इस तरह से पांच पांच साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने है? हमारे चीफ मिनिस्टर भी पांच पांच साल के लिए बनते हैं बट इट्स जस्ट अ टेक्निकलिटी सो लुकिंग इट फ्रॉम द अकेडमिक परसपेक्टिव इफ दिस स्टेटमेंट इज रिटन ऑन एन एग्जामिनेशन पेपर दैट द चीफ मिनिस्टर का टर्म है वो फिक्स नहीं होता है सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट इट जस्ट मीन्स टू से चीफ मिनिस्टर सिर्फ तब तक चीफ मिनिस्टर रहता है जब तक उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी है राइट right. अब वो पांच साल तक है तो वो पांच साल तक रहेगा क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म है टेन्योर है हमें पता है वो पांच साल तक होता है तो अगर वो पांच साल तक मेजोरिटी है तो चीफ मिनिस्टर पांच साल तक रहेगा लेकिन अगर वो दो साल तक ही मेजोरिटी uh, का सपोर्ट रख सकता है तो वो दो साल तक रहेगा सो टर्म फिक्स नहीं है वो गवर्नर के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करता है अब जो ये वर्ड है द प्लेजर ऑफ द गवर्नर और द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट

Uh, this is a wrong statement. None of the chief minister or none of the prime minister actually holds office during the pleasure of the governor or the president, respectively. Right. That doesn't happen, actually. But nevertheless, we have written this which is, I don't know how this law, but this is what happens with the law. Like they write it and they can still not follow this because this is not true. This is actually not true. Nevertheless, this doesn't mean the governor can dismiss him. और शी कैन नॉट बी डिसमिस बाई दी गवर्नर एज लॉन्ग एज जब तक उस चीफ मिनिस्टर को मेजोरिटी का सपोर्ट होता है लेजिसलेटिव असेंबली में बट कमिंग फ्रॉम दी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव यह स्टेटमेंट को ध्यान रखो लुकिंग फ्रॉम दी देखो पर्पज क्या है हमारा पर्पस हमारा प्रेलिम्स और मीन्स को निकालना आई बिलीव सो आई होप सो और कुछ नहीं तो कुछ दूसरे एग्जाम को निकालना आई होप दैट इज द एंड गोल ऑफ इट एंड कुछ लोग थोड़े हम सबसे ही बड़े होते हैं वो नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे होते हैं वे well, नॉलेज में भी तुम्हें यह याद रखना जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर का टर्म फिक्स नहीं होता है सेकेंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर जब एग्जामिनेशन में लिखाएगा तो दिस इज स्टेटमेंट एंड दिस इज अ करेक्ट लेजिटिमेट स्टेटमेंट यू हैव टू से यस, दिस इज ट्रू इफ यूर शी लूज वेल देन, या तो वो खुद रिजाइन करेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर लोकसभा या विधानसभा की बेसिकली कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो यूजुअली वो खुद रिजाइन कर देते हैं अगर नहीं करते हैं वेल द गवर्नर डज हैव अ डिस्क्रिप्शन टू डिसमिस दैट पर्सन ठीक है नॉट अ प्रॉब्लम वाली बात है ऑल राइट चीफ मिनिस्टर की सैलरी सैलरीज और जो अलावेंसीज होती हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटर्मिन करता है आदर्श गुप्ता का स्टडी आई पे एक बढ़िया है आई थिंक आई रिमेबर आई आई थिंक आई थिंक ही डिड मेक अ वीडियो विच डिस्कस अबाउट द सैलरीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स की यू शुड वॉच इट कि, कि देश में कौन से चीफ मिनिस्टर को कितनी सैलरी मिलती है नज दावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स इन रिलेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ठीक है काउंसिल ऑफ सेम प्राइम मिनिस्टर वाला अगर किसी को याद है तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू द सेम थिंग बट बिफोर वी स्टार्ट लेट अस सी वट वी अवेर वी आर एट दाइ फैलस फिफ्टी सिक्स वी आर डूइंग गुड डूइंग गुड स्टेबल हिअर वीड वन थर्टी सिक्स रन चाहिए ठीक है कर लेंगे बहुत बच्चे पास तो अभी क्रिकेट का मैच दिखाने से कॉपीराइट तो नहीं हो जाता चैनल पे आई डोंट नो होपन्स फिफ्टी सिक्स बायर डूइंग गुड फाइन फाइन ऑल राइट सो पावर्स एंड दीफ मिनिस्टर टू द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर वेल एग्जैक्टली exactly वही ना जैसे हमारे सेंटर पर होता है वंस द गवर्नर चूज इज द चीफ मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर चूजेज इज ओन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है वो तो ऑटोमेटिकली कन्वेंशनली चीफ मिनिस्टर बनेगा ही बनेगा एंड देन लेटर ऑन वो अपनी खुद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनता है एंड दैट uh, जिसको भी मिनिस्टर बनाना चाहता है गवर्नर अपॉइंट करेंगे बट दैट विल बी बाय द चीफ मिनिस्टर एग्जैक्टली ठीक है द गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन जिनको चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करते हैं और उसके बाद चीफ मिनिस्टर अलग अलग पोर्टफोलियो होम एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं वो बेसिकली हर एक मिनिस्टर्स को अलोकेट कर देते हैं इफ़ द चीफ मिनिस्टर वॉन्ट्स ही कैन आज टू रिजाइन या पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं नो डाउट अबाउट इट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं हम uh, उसकी मीटिंग्स जो होती हैं उन पे प्रजाइड कौन करता है चीफ मिनिस्टर करते हैं ही बेसिकली गाइड्स डायरेक्ट्स एंड द कंट्रोल्स ऑल ऑफ इट एंड इन Times, अगर जरूरत पड़ती है चीफ मिनिस्टर डाइज इन ऑफिस तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलेप्स हो जाती है मतलब कि जब नया चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो अपनी नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनेगा और इफ द चीफ मिनिस्टर रिजाइन वेल द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारी इकट्ठी जाते है फिर फिर सबके इकट्ठा रेजिग्नेशन काउंट माना जाएगा दैट हैपन विद दिस इंडिविजुअल मिनिस्टर मतलब एक मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देता है सो इट्स फाइन दैट्स अलाउड टू डू मतलब वो उसको रिजाइन भी ले सकते हैं दूसरी जगह उसको दूसरा बट अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाती है याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल हिज रेजिग्नेशन और इवन डेथ ऑटोमेटिकली डिजॉल द काउंसिल बाकी कोई मिनिस्टर होगा डेथ हो, हो जाती है रिजाइन करते हैं तो बेसिकली जस्ट अ वैकेंसी राइट सेंस ठीक है इन रिलेशन टू द गवर्नर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के कॉन्टेक्स में वही रिलेशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में होता है बट यहां पे आप थोड़ा सा सोच सकते हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि गवर्नर डज हैव सम एक्स्ट्रा पावर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स है बट हाँ बाकी रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सेम होगा चीफ uh, मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में सॉरी गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो चीफ कम्युनिकेशन चैनल है दैट इज चीफ मिनिस्टर इट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि वो गवर्नर को बेसिकली सारी की सारी बातें बताएं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी डिसीजन होते हैं दैट इज बेसिकली कम्युनिकेटेड टू द गवर्नर थ्रू द चीफ मिनिस्टर ऑफिस ठीक है सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर नया वो जो लॉ बनाना चाहते हैं स्टेट में ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली कम्युनिकेटेड टू गवर्नर थ्रू ओके टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट जैसे अगर गवर्नर को जब जरूरत पड़ती है तो एंड वनस एंड अवाइल ये एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्टेड है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस जाती है गवर्नर के पास गवर्नर कैन आस्क फॉर री ऑफ दैट एडवाइस राइट दैट प्रेजिडेंट कैन ऑल्सो डू इट अब हर एक मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि सारी, -सारी की सारी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होके जाए सो इफ गवर्नर ऑफिस हैव रिसीव्ड एन एडवाइस जो कि, कि किसी मिनिस्टर ने भेजी है बट द गवर्नर नोज की दिस इज नॉट बीन डिस्कस्ड बाई दउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो गवर्नर कैन बेसिकली सेंड इट फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ काउंसिल एज अ होल यूजली याद रखिएगा कि कभी कभी इंडिविजुअल मिनिस्टर्स भी अपनी फाइल्स भेज देते हैं गवर्नर के ऑफिस में ठीक है वो जो इंडिविजुअल फाइल्स भी है दो आर टेक्निकली कंसिडर्ड कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी पूरी एडवाइस के साथ आई है मतलब की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है चाहे फाइल एक ही डिपार्टमेंट ने भेजी है इंडिविजुअल मिनिस्टर ने भेजी है बट इट शेल टेक्निकली बी कंसिडर्ड एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटेड बट इन अ पर्टिकुलर मिनिस्टर डिड सेंड द फाइल गवर्नर को पता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक्चुअली में पूरी डिस्कस नहीं की तो गवर्नर कैन रिक्वायर इट टू बी सबमिटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ होल ठीक है चलिए यूर सी एडवाइज द गवर्नर विद रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंट ऑफिस जैसे कि एडवोकेट जनरल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इन कॉन्टेक्स्ट में करते तो ये गवर्नर अपॉइंट है और प्रेसिडेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल और यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर और इलेक्शन कमिश्नर्स को बट ऑन द एडवाइस ऑफ दूजली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक है और स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स में विल टॉक अबाउट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट मैन इट टॉक्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर हिशी एडवाइज इज द गवर्नर विद रिगार्ड टू समनिंग एंड द प्रो ठीक है तो चीफ मिनिस्टर बेसिकली गवर्नर को बताते हैं कि कब स्टेट लेजिस्लेचर को समन करना है कब प्रोरो करना है समन इज इज बेसिकली बेसिकली ऑफ ऑफ सेशन सेशन एंडिंग मतलब से थोड़े से ना टेक्निकल इन्होंने लीगल जार्गन वर्ड यूज किए हैं उससे ज्यादा नहीं है ये समन मतलब बिगिन एंड प्रोरो मतलब एंड इसका मतलब इट्स नॉट समथिंग ओ प्रोरोग जैसे तो कोई आत्मा पैदा हो जाती है कभी कभी प्रकट हो जाना राइट right? दैट समन वैसे समन एक्चुअली मतलब यही होता है प्रकट हो जाते हैं जिनको समन करते हैं

चीफ मिनिस्टर की पावर होती है वो किसी भी समय पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव असम्बली को अगर चाहें तो डिजोल्व करने के लिए बोल सकते हैं गवर्नर uh, ही करेंगे गवर्नमेंट uh, की पॉलिसी जो होती है वो चीफ मिनिस्टर स्टेट पर बताते हैं एंड सो ऑन एंड ऑन अच्छा ये ये वाला जो पार्ट uh, है दिस इज ऑबियसली डिफरेंट दें द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इज नॉट दी चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड ऑबिकली चीफ मिनिस्टर बोर्ड भी और जो जोनल काउंसिल्स होती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर उसके वाइस चेयरमैन नहीं होते हैं इज अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल Niti Iok member, hai. he's the chief spokesman of the state government. Nothing special. Prime Minister, like Prime Minister, Chief Minister is also the crisis manager. is basically the he's the government. is the chief minister. is the most powerful person of the executive. is the head of the government of a state. It's as simple as that. I don't think so there shall be any difficulty here. He's the political head of the services. But yeah. Unlike centre of state, there are. सिचुएशंस वेयर इन द स्टेट गवर्नर हैव डिस्क्रिपनरी पावर विच इंसिडेंटली द प्रेजिडेंट डेव सो यहां पर वहां पर थोड़ा सा मतलब चीफ मिनिस्टर का रोल हल्का सा लिमिटेड नॉट दैट इट कम्स इन द डे टू डे ऐसा नहीं है कि वो डे टू डे में भी प्ले uh, होता है बट या इफ यू थिंक अबाउट इट येस देर इज मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली और अकेडमिकली अगर हम सर्च करें तो यस देर आर सम लिमिटेशंस ऑन द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर जहां जहां पे ने गवर्नर को थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी पावर्स दे रखी है तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का अगर हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर काउंसिल ऑफ थ्री आता है चीफ मिनिस्टर वही प्राइम मिनिस्टर वाली बात है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसमें चीफ मिनिस्टर होगा जो कि एड और एडवाइस करेगा गवर्नर को गवर्नर को अपने फंक्शंस करने के लिए बस वो डिस्क्रिशन वाली चीजों को छोड़ के गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए तो so कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देर आर सर्टेन थिंग्स विच हैव बीन कैप्टज ए डिस्क्रिशन मतलब कि अपनी पर्सनल विल है गवर्नर की कि आई वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन एंड आई डोंट नीड टू डिस्कस इट विद एनी बी एल्स पर्सनल डिस्क्रिशनरी डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बहुत सारी जगह पर डिफाइन कर रखा है इसके अलावा गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट राइट तो वो जो भी टू एड एन दी गवर्नर आर्टिकल गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे no और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस दीफ मिनिस्टर ओके मिनिस्टर विल होल्ड द्यूरिंग द्लेजर ऑफ द गवर्नर वज इट मीन देखो दिस इज असनोमर स्टेटमेंट क्यों क्योंकि मिनिस्टर कभी भी गवर्नर के द्वारा अपनी चॉइस से नहीं हटाए जा सकते हैं जब वो वही अपॉइंट किए जा रहे हैं जो कि चीफ मिनिस्टर की चॉइस होती है तो लाइक द रियल प्रैक्टिकल स्टेटमेंट इज की द मिनिस्टर कैन मिनिस्टर डज होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर क्योंकि चीफ मिनिस्टर की एक्चुअल प्लेजर पे मिनिस्टर को हटाया जा सकता है

और पूरा उसके पीछे 100 जो है, की ड्यूटी है कौन कौन सी गवर्नर को सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन कम्युनिकेट करने की अगर गवर्नर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो मांगे तो और जरूरत पड़ने पर गवर्नर अगर चाहें तो कोई भी मिनिस्टर की एडवाइस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसीडर कराने की ये सेम टू सेम तीन आर्टिकल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में रिपीट होते हैं ठीक है बिल्कुल रिपीटेबल आर्टिकल हैं सारे के सारे के कोई खास डिफिकल्टी नहीं है मेरे हिसाब से एंड देन सेकंड वन इज द स्टेट ऑफ द काउंसिल ऑफ द ऑफिस्टर दिस इज बेसिकली चैप्टर नंबर थर्टी टू ऑफ दक्ष्मीकांत एडिशन ये भी मतलब कॉपी पेस्टेड है

कि इंडिया पहले बैट करते तो हम साढ़े तीन सौ तीन सौ सत्तर ने पहले बैट किया था तो भी यार दो सौ सत्तर दो सौ अस्सी तक बना देता देखे एटलीस्ट नॉट दिस ईयर एटलीस्ट नॉट फॉर नेक्स्ट फ्यूर्स सो कैन डू दैट फॉर यू कैंसिल ऑफ मिनिस्टर्स माइ फ्रेंड एस दिटन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट उसी तरीके से हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट के लेवल पर जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं ठीक है बिल्कुल सेम सिस्टम है आई थिंक वी हैव डन इट लेट्स रिपीट इट ठीक है क्या होता है कि जैसे एक विधानसभा बनती है ठीक है अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग है देखो पार्लियामेंट तो एक ही है पूरे देश में तो वहां पर जो लोकसभा है उसमें फाइव सीट्स हैं विच इज फिक्सड बट एवरी स्टेट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स अपनी अपनी स्टेट की पता करो मिनिमम अपनी स्टेट की पता होनी चाहिए तो जैसे हरियाणा की 90 बता देता हूँ मतलब हरियाणा में 90 होती हैं विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की जो कि हमारे देश की सबसे ज्यादा है यूपी की यूपी की हंड्रेड एंड फोर होती है ठीक है फोर हंड्रेड थ्री एम चूज किए जाते हैं जब उनके विधानसभा के इलेक्शन होते हैं इसमें से सॉरी माई बैड ओ बैड इसमें से जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है यानी कि जो फोर्टी सीटें ले लेगी या इसमें से दो दो सीटें ले लेगी दैट पार्टी अलाउड टू फॉर्म दी गवर्नमेंट उसका हरियाणा तो में नब्बे एमएलए है? तो होते हैं और यहां पर सिर्फ विधानसभा है यूनिक एमरल हाउस है तो इन्हीं जो नब्बे इलेक्ट हुए थे तो लोगों को एम मिनिस्टर बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में बेसिकली दो हाउसेज हैं एक विधानसभा है एक विधान, विधान परिषद है तो उत्तर प्रदेश में जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसके पास ऑप्शन है दोनों में से कहीं से भी मिनिस्टर बनाने की ठीक है देखिए दैट पर्सन कैन मेक मिनिस्टर फ्रॉम इधर विधानसभा एंड इधर विधान, विधान परिषद और उसको तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना देते हैं द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड एग्जैक्टली जैसा कि सेंटर के ऊपर काम करती है उसी प्रकार से काम करती है अगे

So, एक बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए गवर्नर की एड और एडवाइस के लिए ठीक है सिंपल जो डिस्क्रिशन वाले मेंबर है उसमें नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी बाकी सबके अंदर काउंसिल करेंगी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि यार कौन सा मैटर गवर्नर की डिस्क्रिशन में होता है या नहीं होता है वो गवर्नर खुद डिसाइड करते हैं ठीक है सो इट्स नॉट लाइक कि मतलब एम्बिगिटी अगर होती है तो जिसमें क्लैरिटी है उसमें नहीं है देर आर थिंग्स जो कि लिखा हुआ है कि वो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन में है देर आर थिंग्स जो कि गवर्नर की डिस्क्रिप्शन में नहीं है सो so, इनमें कोई ऐसा डिबेट नहीं ऐसा नहीं कि गवर्नर कैन जस्ट रेंडमली से यह भी मेरी डिस्क्रिप्शन ये भी मेरी डिस्क्रिशन भी मेरी डिस्क्रिप्शन नो 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 इन ए वेरी एम्बिगुस अगर कोई हल्का फुल्का एक आधा टॉपिक आ गया है एम्ब्युटी है नो बट इज एबल टू जज किसके डोमेन में आता है इन दैट केस गवर्नर डिसीजन इज बेसिकली फाइनल ठीक है तो उसकी इस बात पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि यह आपके डिस्क्रिप्शन में था या नहीं था नोट प्रॉब्लम एडवाइस टेंडर बाय द मिनिस्टर शेल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट ठीक है आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और जो बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली गवर्नर अपॉइंट करते हैं परंतु चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं अब ये क्वेश्चन आना है किसी दिन सुपर डिफिकल्ट लेवल का नॉट विल बी बी एबल टू सॉल्व इट बट आई थिंक सम ऑफ अस आर फोर पर्टिकुलर स्टेट्स छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा ये चार स्टेट्स हैं जहां पे गवर्नर की एक एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनाने की ट्राइबल वेलफेयर के लिए मिनिस्टर बनाने की मतलब यहां पे अलग से लिखा हुआ है इज एन आर्टिकल पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश और उड़ीसा में गवर्नर को एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट करना है जनरली वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर ही बता देंगे बट यहां पर हरियाणा में नहीं है ये पहले बिहार में भी हुआ करता था लेकिन बिहार को एक्सक्लूड कर दिया गया रीजन बिंग क्योंकि बिहार के जितने भी शेड्यूल्ड एरिया थे वो बिहार के, के में चले गए। तो इसीलिए दिस प्रोविजन विच टू अप्लाई टू बिहार बेसिकली नाउ ओनली अप्लाईज टू झारखंड सो छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश और ओडिशा पास पास के अंदर है सो मेक सेंस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये तो एक ही स्टेट हुआ करते थे ठीक है झारखंड अब झारखंड और बिहार एक ही हुआ करते थे प्राइमरली तीन स्टेट्स थी बिहार थी मध्य प्रदेश थी और ओडिशा थी तीन थी इसमें से दो बाइफरकेट हो गई तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो बाइफरकेट होने के बावजूद भी दोनों इंक्लूडेड है बिहार और झारखंड में से बिहार हट गया झारखंड है ओडिशा का बाइफरकेशन हुआ नहीं है ओडिशा है यह याद रखना आएगा क्वेश्चन किसी दिन पुल डिफिकल्ट वाला विच यू शेल बी एबल टू डू देन जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है यहां पर लिमिट है कि इट शेल नॉट एक्सीड फिफ्टीन परसेंट ऑफ दी नब्बे चार सौ तीन कितनी भी टोटल सीट हो विधानसभा की जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी तो फिफ्टीन परसेंट से ये अप्लाई होता है अपने लोकसभा पर भी लोकसभा में फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री का फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट की लिमिट है और हर एक यहां पर भी है लिमिट पर क्योंकि हमारी स्टेट्स कई सारी बहुत छोटी छोटी विधानसभाएं भी हैं यहां पर एक और लिमिट है कि इट शेल नॉट बी लेस देन ट्वेल्व ऑल्सो बारह से नीचे भी नहीं होने चाहिए so, सो कई जगहों पर 12 से नीचे भी नहीं हो मतलब 12 से नीचे कहीं पर भी नहीं हो सकते हैं बट 15 परसेंट से अधिक भी नहीं होना चाहिए तो ये यह यहां पे दो है नाउ इंटरेस्टिंगली जो दिल्ली है दिल्ली में भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे 10 परसेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है ठीक है तो ऐसे दो तीन हल्के फुल्के एक्सेप्शन मिलेंगे तो हम पहले सिर्फ दो चीज याद रखेंगे आज के लिए कि जो स्टेट्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी अपर लिमिट है फिफ्टीन परसेंट ऑफ द स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली एंड दी लोअर लिमिट इज ट्वेल्व मिनिमम ट्वेल्व और अपर मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट ये वाली बात फिर एक एक्सेप्शन भी याद रखना कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली पे इंटरेस्टिंगली ये इंटरेस्टिंगलीसेंट वाला रूल अप्लाई नहीं होता है वहां पे 10 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली 70 एमएलए होते हैं 70 एमएलए तो यानी 10 का यानी 10 का कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ सात मिनिस्टर हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके टोटल सेवन मिनिस्टर बाकी जगह पर बारह से ऊपर ही होंगे इट के नॉट बी लेस देन और परसेंट से नीचे रहेंगे टू ठीक है uh, किसी भी हाउस के मेंबर uh, विधानसभा हो या विधान परिषद के हो बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी जो कि डिस्कवालीफाई हो जाते हैं ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शेल बी डिसक्वालीफाईड टू अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर हाँ अगर डिफेक्शन के बेसिस पर हुए हो तो वो मिनिस्टर नहीं बनाए जा सकते हैं मिनिस्टर्स गवर्नर के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा सो ऑल ऑफ दम विल रिजाइन टूगेदर ट इट मीन गवर्नर बेसिकलीस को वोट दिलाते हैं जो चीज चीफ मिनिस्टर पर लोकसभा के मेंबर पर अप्लाई होती है सिमिलरली अप्लाई होती है कि कोई मिनिस्टर अगर बन जा लोकसभा के मेंबर पर नहीं होती है मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर होती है जो चीफ मिनिस्टर पर प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर अप्लाई होती है वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर भी होती है कि कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्टर बनाया जा सकता है एनी बडी कैन बी मेड अ मिनिस्टर विंडो हि और शी है विंडो ऑफ सिक्स मंथ इलेक्शन के मिनिस्टर बन सकते हो पर छ महीने के अंदर अंदर जहां कैमरे का में दोनों में आर्टिकल हंड्रेड एंड सिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑल एक्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट शेल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ दवर्नर ऑल राइट दैट वी हैव डन गवर्नर के नाम पर ही होते हैं गवर्नर शेल भी ऑथेंटिकेटेड ठीक है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नर रूल्स बना देता है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी ये हीन बार कर चुके हैं आज तीन ड्यूटी हैं ठीक है, है? सबसे पहले गवर्नर को कम्युनिकेट करना है अपने सारे के सारे काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर के डिसीजन एंड वट काइंड ऑफ लॉज देयरबाउट टू मेक कोई भी इंफॉमेसन जो कि गवर्नर को चाहिए एक्स्ट्रा अगर जरूरत मांग से गवर्नर मांगते हैं और गवर्नर अगर चाहें तो रिकन्सिडर करवा सकते हैं किसी इंडिविजुल मिनिस्टर की एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी ठीक है एवरी मिनिस्टर विल हैव राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली अच्छा यहां पे सिंपल है मतलब तो अब विधानसभा है तो उसी में मिनिस्टर होंगे तो एक हाउस के मेंबर है तो उसमें तो जाके बात करेंगे ही करेंगे बट इन केस अगर दो हाउस के मेंबर भी हैं तो इट इज अलाउड यहां पर बाई कैमरल हाउस भी है तो नेचर ऑफ द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर तो, तो ये जो एड और एडवाइस जो होती है जो गवर्नर को जो बोली जाती है वो बेसिकली चैलेंज नहीं की जा सकती

ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होता नहीं है क्यों क्योंकि देर आर नो शेड्यूल्ड एरियाज इन बिहार एंड दिड्यूल ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी नॉमिनल है नेगलेजिबल है तो सेम अमेंडमेंट जो था वो छत्तीसगढ़ और झारखंड को एक, एक, एक्सटेंड कर दिया ठीक है ग्रेट विल रिपीटिंग अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम मेंबर ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर बन सकते हैं वो अगर किसी हाउस के मेंबर ना हो तो दैट इज फाइन बट छह महीने के अंदर अंदर

आदर्श का एक बहुत अच्छा वीडियो था इतनी देर में स्कोर भी देख लेंगे एक बार 92 टू बाई टू कौन गया भाई सौरन चाहिए रोहित तो और श्रेयस रोहित तो फिर से सेंचुरी मारेगा क्या लड़का हमारा फिफ्टी तो हो ही रही है चलो ओके वट आर यू चेकिंग वी आर चेकिंग द चीफ मिनिस्टर सैलरी चीफ मिनिस्टर वाली सैलरी अगर अवेलेबल है तो huh, देखो हमारे लड़के का ही सबसे ऊपर है वीडियो दिखा दूं इस पे क्या है ये थोड़ी ना हम पे वो कर सकता है क्या नाम है कॉपीराइट uh, ये तो हमारे वीडियो एवरी चीफ मिनिस्टर एंड एवरी एमएलए हैज डिफरेंट सैलरी बिकॉज इट इज जनरली डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर तो सब अलग अलग कर सकते हैं बढ़ती जा रही है तो अगर बनना हो तो फ़ायदा है तमिलनाडु में बनने का दो लाख है उस और अच्छा बिहार में और ज़्यादा बढ़िया है गोवा में और अच्छा है बढ़ता है यार पंजाब वाले का अच्छा अब छत्तीसगढ़ में जाके बनो और बढ़िया रहेगा मध्य प्रदेश की और बढ़िया है स्कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ग्रेट हरियाणा वाले भी सही है हिमाचल का और बढ़ गया भाई वाह सबकी सैलरी अलग अलग, अलग है, है चलो कोई ना देख लेना अपने हिसाब से जहाँ चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो जस्ट हैव अ लुक कि कहाँ पर ज़्यादा मिल रही है सैलरी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी विच इज जस्ट अ मैनर टू से इनकेस अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो ऑल ऑफ दैम रिजाइन टूगेदर ठीक है दे हैव इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी ऑल्सो विच मीन्स की जरूरत पड़ने पर चीफ मिनिस्टर एक अकेले आदमी को भी हटा सकते हैं जरूरत पड़ने पर बट देर आर सिचुएशन यहाँ पर इकट्ठे ही जाएंगे ऐसा नहीं है कि एक बच जाएगा अकेला फंडामेंटल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं

अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एवरी मिनिस्टर विल रिजाइन इवन दो कुछ बेचारे विधान परिषद में थे तो अगर विधानसभा ने पास कर दिया तो वो विधान परिषद वाले भी बेसिकली रिजाइन करेंगे ही करेंगे सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जरूरत चाहे तो वो एडवाइस भी कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व करने के लिए दे कैन सेट ऑन देअर चॉइस एंड द गवर्नमेंट में द गवर्नर मे और नॉट ऑबलाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एक उसके बाद इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी होती है बच्चों इसका कहने का सिंपल ये मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई एक मिनिस्टर को हटाया या बदला जा सकता है ऑन प्लेजर ऑफ द गवर्नर विच वुड बी एडवाइज द चीफ मिनिस्टर सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच मीन्स कि मिनिस्टर्स गवर्नर के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड कर रहे हैं गवर्नर चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर चीफ मिनिस्टर को नहीं कर सकते किसी मिनिस्टर को कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर को नहीं कर सकते हैं मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इफ ही और शी लूज दिटी इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ नॉट मिनिस्टर को हटाया जा सकता है किसी भी बेसिस पर गवर्नर जनरली मिनिस्टर को जनरली क्या गवर्नर कैन ओनली रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर सो दैट इज इट हाँ अगर कोई मिनिस्टर का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो वो रिजाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो कलेक्टिव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सो so, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है कि जो मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट कोई काम करते हैं उसकी वजह से कोई लीगल इशू हो जाते हैं कभी कभी वो लीगल इशू में इंडिविजुअल बंदे को पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऐसा नहीं कि कोर्ट कंपनसेशन नहीं देगी गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन देगी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उस इंडिविजुअल मिनिस्टर को क्रमिनली uh, प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है दिस so वर्ड यहाँ पे ऐसा लगता है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा क्या है यू कॉन्ट क्रिमिनली प्रोसिक्यूट दैट पर्सन जो कि मिनिस्टर था एज अ क्रिमिनल जब अगर कुछ का काम उसका ऑफिस कर देता है तो सो दिस जस्ट मीन्स दिस कि दिस नो प्रोविजन इन दस्टिट्यूशन की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सो so, जो गवर्नर जब भी किसी चीज पे साइन करते तो उसपे मिनिस्टर के साइन करने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज इट इज फाइन कंपोजिशन अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट हैं अलग अलग उनकी स्ट्रेंथ है साइज अलग अलग है लेजिस्लेटिव असेंबली का तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली कुछ अलग से दिया हुआ है उन्होंने वही सिस्टम है फिफ्टीन परसेंट मतलब मिनिमम ट्वेल्व मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी अपनी स्टेट का निकालो अपनी अपनी का एक का तो पता करो खुद की स्टेट का पता होना चाहिए कितने एम है हैं हमारे यहाँ पे और कितने उनकी टोटल हमारे कितने यूनियन सॉरी स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड दैट इज़ इट स्टेट में भी वही तीन कैटेगरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं कुछ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट हो जाते हैं कुछ डेप्य मिनिस्टर्स होते हैं नाउ दिस गेट्स कंफ्यूजिंग ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दे आर नॉट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दे आर स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो ये मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट है देर इज अन मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट जो कि स्टेट के मिनिस्टर नहीं है वो किसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं एंड दे आर स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट They are obviously state ministers but they are ministers of a department or a ministry of a state the word state is weirdly confusing and then there are some deputy ministers ठीक है कोई खास वाली बात नहीं है इन टॉप पे सबसे पहले चीफ uh, मिनिस्टर होंगे ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और उसके बाद उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है जनरली सारे के सारे डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और यूजली टेकन बाय दैट कैबिनेट मिनिस्टर्स वन द कैबिनेट टेक्स डिसन बाई द उंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स पर से दैट इज इट तो क्या होता है सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इट जस्ट मीन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जैसे कि हमने देखा था कि हमारी आ, जो अस्सी लोगों की अप्रोक्सीमेटली अस्सी लोगों की यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ट्वेंटी नाइन कैबिनेट मिनिस्टर्स है प्राइमरली होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज सेम अलाउज ऑन द स्टेट के लेवल पर भी होती है सबके लेवल पर इट इज़ हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टेट ठीक है नथिंग स्पेशल इसमें कुछ खास बात नहीं आना भी नहीं है चिंता मत करो इसके बारे में एंड कैबिनेट कमेटीज एंड जस्ट लाइक द यूनियन द स्टेट ऑल्सो वर्क थ्रू कैबिनेट कमेटीज सो ये दस पंद्रह बीस पच्चीस लोग भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं डिसीजन लेने के लिए तो उसकी कमेटी बना दिए जाती है चार पाँच लोगों की छः सात लोगों की सात आठ लोगों की जो यूनियन पे सिस्टम है एग्जैक्टली सेम टू सेम सिस्टम यहाँ पर भी होता है oh. That is it. Great.